नमस्कार। खेल और खिलाड़ी आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। आज खेल और खिलाड़ी में तीन कप्तानों की बात करूंगा और ये तीन कप्तान दो देशों के हैं। आप शायद थोड़ा ये सोच रहे होंगे तीन कप्तानों की कहानी क्या है, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक के बीच में या COVID-19 की जो लड़ाई चल रही है इसके बीच में कोई भी स्पोर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन कप्तानों को हटाना और कप्तानों को टीम में वापस लाना या कप्तानों को नई जिम्मेदारी देना, ये सिलसिला भी इन दिनों कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। और अब जिन तीन कप्तानों की मैं बात करूंगा उनमें से एक की कप्तानी तो खत्म हो चुकी है, लगभग करियर भी खत्म हो चुका है। दूसरे की कप्तानी इस वक्त जो है वो शुरू हुई है, एक नई जिम्मेदारी मिली है। और तीसरा कप्तान वो है जिसको लेकर चर्चे बहुत ज़्यादा हैं देश से लेकर विदेश तक, इसलिए कि क्या इसको क्रिकेट के अंदर तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दे दी जाए। व्हाइट बॉल से भी ये खेले, उसके साथ साथ आप रेड बॉल से या रेड चेरी से खेलिए, तो आप अगर टेस्ट की कप्तानी करते हैं तो आपको वनडे की मिलनी चाहिए या नहीं, T20 की मिलनी चाहिए या नहीं। बात मैं विराट कोहली की भी करूंगा और बात मैं सरफराज की भी करूंगा और साथ ही साथ बात बाबर आजम की भी होगी। बाबर आजम और विराट कोहली आपको याद होगा दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों में से ये दो बल्लेबाज है, या यूं कह लीजिए टॉप 5 बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज। और अपने परफॉर्मेंस के दम पर इन्होंने हाल ही में जो ICC की रैंकिंग बल्लेबाजों के सामने आई है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से अंक तालिका में ऊपर आकर दूसरा और तीसरा या पहला और दूसरा स्थान, इस पर हमेशा लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब जो दो खबरें आ रही हैं, एक तो ये कि एक तरफ जहां पाकिस्तान की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी, आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो उसके बाद सरफराज अहमद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आए और सरफराज को लेकर इस तरह की बातें की जाने लगी कि टीम के दम पर, यानी टीम को एक साथ करने में वो कामयाब हुए, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन खुद उनका कैलिबर कितना है उस पर सवाल उठाए जाते रहे, खुद बैटिंग सिलेक्शन या शॉट सिलेक्शन उस पर सवाल उठाए जाते रहे। दूसरी तरफ बाबर आजम फुल फॉर्म में थे उसी समय से जब से चैंपियंस ट्रॉफी जीती और आज 2020 आते आते आज के समय में भी उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के टॉप मोस्ट बेहतरीन बल्लेबाजों में से है, इसलिए अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें T20 और वनडे का कप्तान बनाया गया है। कैटेगरी ए के जो प्लेयर्स होते हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसमें डाल दिया है। सरफराज का जहां तक जिक्र मैं कर रहा था तो सरफराज को कप्तानी से हटा दिया गया और इतना ही नहीं, सरफराज को एक और नुकसान हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस जहां तक हर कोई उस पर सवाल उठाता है, जाहिर सी बात है उसका फर्क अब PCB ने भी दिखा दिया है। जहां पर सरफराज पहले ए कैटेगरी में थे अब कप्तानी ही नहीं छीनी बल्कि Category 2 में, यानी बी कैटेगरी में उनको डाल दिया गया, एक नुकसान ये। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो नुकसान है सरफराज को, शायद उन पर, उनके परिवार पर और यहां तक कि उनके जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं, उन पर भी आ सकता है, इसलिए क्योंकि उनके करियर पर कहीं ना कहीं ठप्पा लगता नजर आ रहा है, शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट से साइडलाइन किए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनकी जो खुद की परफॉर्मेंस है, यहाँ तक कि PSL में जो हाल ही में हुआ है जिसके फाइनल सेमीफाइनल्स तक बात तो पहुंची लेकिन सरफराज की परफॉर्मेंस कहीं अच्छी रेट नहीं की जाती थी। वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम को ना सिर्फ परफॉर्मेंस, उनके कैलिबर के साथ साथ उनका जो कंट्रोल है गेम के ऊपर, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उनकी प्रतिभा को निखारने की और भी कोशिश हो रही है। 22-24 साल का लड़का आपके जहन में क्या और क्या कर सकता है, देश के लिए इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और दो फॉर्मेट्स में उसे कप्तानी सौंप दी गई है, लेकिन टेस्ट की कप्तानी अजहर अली के पास बरकरार रहेगी। वहीं ये तो उन कप्तानों की बात जो सीमा के उस पार की बात है, अब जरा सीमा के अंदर आइए, अपने देश में आइए। बात क्रिकेट की हो रही है तो विराट कोहली को कोई नहीं भूल सकता, जब कप्तानों की बात हो रही है तो BCCI से निकलकर दो चीज़ें सामने आ रही, एक तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि क्या विराट कोहली को एक किसी फॉर्मेट से हटाकर, एक किसी जगह से रेस्ट देकर उन पर ज़्यादा लोड ना बने, ज़्यादा दबाव ना बने, उस बोझ को कम करने के लिए एक फॉर्मेट से उनसे कप्तानी वापस ली जा सकती है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरा कि भारत के अंदर इस वक्त क्रिकेट नहीं हो रहा है तो आगे की जो प्लानिंग होगी, एशिया कप आपके सामने है, विश्व कप आपके सामने है, टेस्ट चैंपियनशिप साथ साथ चल रही है, टेस्ट मुकाबले आपको उन देशों के साथ खेलने हैं जहां पर कड़ा प्रहार आप पर होगा, एग्रेशन जबरदस्त दिखाया जाएगा, आप देश से बाहर खेलने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में आपको खेलना होगा, तो वहां पर रणनीति क्या रहेगी, किस प्लेयर को किन प्लेइंग 11s के साथ लिया जाए, बड़ा सवाल ये BCCI के सामने है और प्रश्न चिन्ह पर जरूर लगा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस समय भी BCCI की तरफ से कोशिश की जा रही है कि क्रिकेट को जैसे ही रिज्यूम किया जाए उन तमाम खिलाड़ियों को जो IPL पर या IPL के दम पर, IPL के अंदर परफॉर्म करने के दम पर इस वक्त टीम में आने का सोच रहे थे, इंडिया के लिए खेलना चाह रहे थे, उनको शायद कहीं मौका देने का BCCI से एक अच्छी खबर आ रही है। हालांकि ये टॉप सोर्सेज की तरफ से कंफर्म की गई है कि BCCI एक तरफ ये सोच रहा है कि जैसे ही क्रिकेट रिज्यूम हो तो श्रीलंका के साथ टेस्ट भी है, वनडे भी है, तो क्या एक ही दिन दो टीमें खिलाई जा सकती है, शायद क्रिकेट में आपने ऐसा नहीं सुना होगा, हो सकता है प्लेइंग 11 एक तरफ एक हो
टेस्ट की प्लेइंग 11 एक तरफ हो, सारे खिलाड़ियों को एक साथ मौका दिया जाए, एक ग्राउंड पे एक मैच होगा, दूसरे ग्राउंड पे दूसरा मैच होगा, ये एक नई चीज उभर कर सामने आई, एक नई डेवलपमेंट है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन या इस पर स्टैंप लगना बीसीसीआई के भी बाकी है। तीसरी बात, जहां तक कप्तान से मैंने शुरू किया था तो विराट कोहली का आपको बताता चलूं कि विराट कोहली को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज जो ओपनिंग भी करते थे और अब मशहूर क्रिकेटर होने के साथ साथ इस वक्त बेहतरीन कमेंटेटर भी हैं, नासिर हुसैन, जिन्हें पिछले कुछ दिनों महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बयान दिया था कि ये प्लेयर्स चले जाएं तो ये वापस नहीं आते। अब उन्होंने ये कहा कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में भारत को एग्रेसिव कप्तान चाहिए, वो सिर्फ विराट कोहली है, किसी दूसरे को लाओगे तो क्रिकेट आपकी कमजोर होगी। इतना ही नहीं, भारत के अंदर क्रिकेट पर उसका नेगेटिव प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नासिर हुसैन का मानना है। तो ये कप्तानों के उतार चढ़ाव, कप्तानों के परफॉर्मेंस रेट करना, टीम्स के परफॉर्मेंस रेट करना, कप्तानों में जो तब्दीलियां नजर आ रही हैं, चेंजेस नजर आ रही हैं उनके स्पॉट्स में, उनके स्लॉट्स में, टीम को ऊपर नीचे किया जा रहा है, एक ही दिन टीम आपके एक देश की दो टीमें खेलेंगी, इसको तैयारियां लेकर, ये सब इस सिचुएशन ने जो इस वक्त अराउंड द वर्ल्ड बनी है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, इसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड्स भी मजबूर हुए हैं काफी हद तक। लेकिन जब हम पीसीबी को देखते हैं तो वहां पर एक कप्तान गया, दूसरा आया, एक के करियर पर शायद दाग लगा, दूसरा बेहतरीन करियर बनाने के चक्कर में इस वक्त टीम को भी आगे ले जा रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टॉप मोस्ट बल्लेबाजों में या टॉप फाइव बल्लेबाजों में बाबर आजम का नाम आता है। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा नाम जो मैंने कप्तान के रूप में आपको बताया वो विराट कोहली का, जिन्हें लेकर अब एक फॉर्मेट के अंदर क्या रोहित शर्मा को पूरी जिम्मेदारी दी जाए या नहीं, इस पर ज्यादा चर्चा होने लगी है। लेकिन नासिर हुसैन का बयान आना, जहां पर पिछले दिनों महेंद्र सिंह धोनी पर उन्होंने कमेंट किया और आज एक और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इसके नकारात्मक प्रभाव भारतीय क्रिकेट पर पड़ सकते हैं, इतना ही नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं, राज्य स्तर की क्रिकेट जो है उसके साथ साथ प्रथम श्रेणी की जो क्रिकेट भारत के अंदर हो रही है शायद उस पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बड़ी बात यह होगी, देखने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि कप्तान को एक फॉर्मेट से हटाया जाएगा या नहीं, ये तो अलग चर्चा है। जो बड़ी चीज निकल कर सामने आई है कि एक दिन दो मैचेस करवाए जाएंगे, जो सोर्सेज के अभी इस पर कंफर्म नहीं हुआ है कि श्रीलंका के साथ जब मैच होगा तो वनडे अलग से होगा, टेस्ट जो कराया जाएगा वो अलग से होगा, मैचेस एक ही जगह होंगे, एक ही दिन होंगे, यानी दो मैदानों पर जब मैच होंगे एक ही दिन होंगे। लेकिन बड़ी चीज ये कि एक तरफ प्लेइंग 11 वनडे में अलग होगी, टेस्ट में अलग होगी, और इन सब चीजों के बीच में क्या इसका प्रभाव कप्तानी पर पड़ेगा, जाहिर सी बात है जो चर्चा आजकल चल रही है ना, ये इसी का एक शायद हमारे सामने निकल कर सारी चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ कप्तानों को हटाने के बाद देश से विदेश तक का सफर और क्रिकेट के साथ साथ दूसरे तमाम खेल जो इस वक्त आप मैदान तक देख रहे थे या स्पोर्ट्स इवेंट्स देख रहे थे वो आपके सामने नहीं है। और एक और चीज जो एक्सपर्ट्स की तरफ से कही गई है, अगर क्रिकेट रिज्यूम होती है तो शायद आपको एक साल मिनिमम एक साल लग सकता है, इस एक साल के अंदर आप किसी भी, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में शायद हिस्सा ना ले पाए। मार्च के महीने में देखा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ पेंडेमिक की वजह से, वहां पर खाली बिल्कुल, स्पोर्ट्स में क्रिकेट तो अच्छा हुआ, चौके छक्के देखने को मिला, लेकिन वहां पर कोई कोलैप्स करने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, क्लैपिंग करने वाला, यानी यूं कह लीजिए दर्शकों की कमी थी, जहां पर पांव रखने की जगह क्रिकेट में आज के समय में नहीं होती, तब जब क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती है। और अब एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है, जो एक रिसर्च पूरी तरीके से की गई है, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स, क्योंकि हम देखते थे एक देश बचा था जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा फुटबॉल खेले जाने की उम्मीदें थी, वो था ब्राजील, वहां पर भी इस वक्त 7,000 से 8,000 लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं, वहां पर भी स्पोर्ट्स इवेंट, कम आबादी, छोटा देश, लेकिन वहां पर भी इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो देखा गया है। और इन तमाम चीजों के बीच जब पूरी दुनिया प्रभावित हुई है तो क्रिकेट भी नहीं देखने को मिलेगा, और कप्तानों के बदलने का ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है। आज खेल और खिलाड़ी में बस इतना ही, कल कुछ और कप्तानों की बात, किसी और खेल से जुड़ी बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन कार्यक्रम को लेकर अपना कमेंट जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। JK247 न्यूज पर लगातार पूरे हफ्ते खेल और खिलाड़ी, इस कार्यक्रम में ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि उसके साथ साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि तमाम वो खेल जो आज आप और हम सब लोगों की आंखों से दूर हैं, जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं, 400, 500, 600 साल पुराने खेल जो हैं वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, उनका इतिहास क्या है, कहां से जुड़े हैं, तब क्या थे, अब क्या है, क्या आज खेले जाते हैं, सब पर नजर रहेगी। कल फिर दोबारा आपके साथ होगी मुलाकात, इजाजत दीजिए, नमस्कार।